ଦେଶରେ ପୁଣି କୋଭିଡ୍ ଭୟ। କେନ୍ଦ୍ର ଡାକିଲା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ। ରାଜ୍ୟ ଜାରି କରିପାରେ ଗାଇଡଲାଇନ, ଫେରିପାରେ ମାସ୍କ। କେରଳରେ ସପ୍ତାହକ ମଧ୍ୟରେ ତିନି ଗୁଣା କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି, ଦଶ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। କରୋନା ଭାଇରସର ଜେନ୍ ଏକ୍ସ ସବ୍ଭାରିଏଣ୍ଟ ଚିହ୍ନଟ ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ଆଲର୍ଟ, ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆଲର୍ଟ ମୋଡ୍ରେ। ସିଙ୍ଗାପୁରରେ କରୋନାର ହାଲ ବେହାଲ ଥିବାବେଳେ ଜଣେ ସିଙ୍ଗାପୁର ଫେରନ୍ତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭାରିଏଣ୍ଟ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ଡିସେମ୍ବର 4-10 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ 56,043 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ୟୁଏସ୍ରେ ଏହି ଭାରିଏଣ୍ଟର ପ୍ରଥମ କେସ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା। ଏପଟେ କେରଳରେ ସ୍ଥିତି ବିଗୁଡ଼ୁଥିବା ଦେଖି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାର ରାଜ୍ୟର ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏହି ଭାରିଏଣ୍ଟକୁ ନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। कोविड का एक सब वेरिएंट है JN.1 और ये जैसे हमारे पास बीच में सब वेरिएंट्स कई सारे आए और आते रहेंगे, आगे भी आएंगे, ये उस तरह का सब वेरिएंट है। ये वायरसेस अपना रूप बदलता रहता है और ये नए नए सब वेरिएंट आते रहते हैं। डजंट मीन कि ये उतना ही सिवियर होगा और उतना ही घातक होगा। इसका केवल मतलब ये है कि वायरस ने थोड़ा अपने आप में म्यूटेट किया है, ज्यादा लोगों के अंदर ये फैलेगा, बट डजंट मीन कि ज्यादा सिवियर होगा। ज्यादातर लोगों को इसके अंदर जो अब तक रिपोर्टेड है माइल्ड सिम्टम्स हैं, खांसी, जुखाम, सर दर्द होना, बुखार, गला खराब, यही सिम्टम्स हैं ज्यादातर लोगों के अंदर और माइल्ड हैं, 4-5 दिन में ठीक हो रहे हैं। आसंतकाली बसिबो उच्चस्तरीय बैठक, सब राज्यर स्वास्थ्य मंत्री बैठक डाकिछंती केन्द्र स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडव्य। आगकु नुआ वर्ष संक्रमण बढ़िबा आशंका, एथिपाई सबु राज्य आलर्ट रहिबाकु परामर्श देइछंती केन्द्र सरकार। केरल एवं कर्णाटक रे पॉजिटिव परे केन्द्र गाइडलाइन जारी करिछि। सेपटे आवश्यक पड़िले राज्य जारी करि पारे गाइडलाइन। एबे भी सर्भेलांस जारी रहिछि बोली कहिछंती स्वास्थ्य विभाग निर्देशक डाक्टर विजय महापात्र। एबे जाय नुआ भारिएंट राज्यरे चिन्हट होइनाई, जदि आसे जिनोम सिक्वेन्स पई पठाजिबो। ज्वर थंडा हेले घरु न बाहरिबा सह लक्षण थिले पिकनिक न जिबाकु परामर्श देइछंती डाक्टर विजय महापात्र। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डायरेक्शन अच्छी, आम सर्विलांस सिस्टम टाक जारी रखू जो चलु आम एक्सट्रा एफर्ट देवु कि कंटिन्यूस चली मनकर 10 जन अच्छा या भितर पिकनिक को जाऊँ 10 जन जदि 2 जन देह खराब अच्छी छिंक हो पिकनिक न जाकर घर को रही भल आम सिम्टम्स जदि बाहर आम तो मेन काम है निजी टेस्ट करा देवा मन इच्छा औषध खाइबानी डाक्तर परामर्श औषध खाइबा टेस्ट तो होगले आम पचर जी सर्विलांस प्रोटोकल अच्छी से प्रोटोकल चलो। कोविड संक्रमण मुकाबला प्रस्तुत रहा निर्देश दि जाए। कोविड टेस्ट पुणी आरंभ करने मास्क पिंधा वयस्क रोगी अधिक सतर्क रहा परामर्श दे कैपिटल हस्पिटाल निर्देशक। वयस्क व्यक्ति मास्क पिंधार आवश्यकता रही। आगक ख्रीटमास नर्ष आसुव गहली को लक्ष्य रखी सवधान रहा आवश्यक से कहते कोविड टेस्टिंग କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଦଫାରୁ ଏବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ କୋମର୍ବିଡ଼ିଟି କଣ୍ଡିସନ ଅଛନ୍ତି ଏବଭ 60 ସେମାନଙ୍କୁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ କୁହାଗଲାଣି। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସବୁ ଟେଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ବି ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ଏବେ December 25 ଅଛି, ବଡ଼ ଦିନ ଅଛି, ତାପରେ ଜାନୁଆରୀ ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଳନ ବି ଅଛି। ଏସବୁକୁ ନେଇକିନା ଯେହେତୁ ପବ୍ଲିକ ଗାଦରିଂ ବି ହେବ, ଏଥିରେ ବି କିଛି ବଢ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଇଜ୍ ବେଟର୍ ଦାନ୍ କ୍ୟୁର୍। କୋଭିଡ଼କୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏବେଠୁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ସୋସିଆଲ ଗାଦରିଂକୁ ବେଶୀ ନଯିବା, ଏହା ଉପରେ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ପୂର୍ବରୁ କରୋନା ତାର କାୟା ଦେଖାଇସାରିଛି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜୀବନ ନେଇଛି। ଏବେ ବେଳରୁ ସାବଧାନ ନହେଲେ ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସଞ୍ଜୀବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। जदि आपन को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।